हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरजी कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, जो कि हमारा सीआरपीएफ की तरफ से है, जिसमें कि 2439 पोस्ट के लिए ये जॉब निकल के आ गया है और पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए ये जॉब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नेम, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से है। कैटेगरी आप देख सकते हैं जॉब का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। टोटल पोस्ट 2439, लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी जॉब हो सकता है। अप्लाई मोड का बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू, मतलब आपको जाके इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिटेल ऑफ वैकेंसी का बात करते हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये है और 2439 पोस्ट है टोटल। क्वालिफिकेशन डिटेल का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट का नेम है। और क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स मस्ट हैव डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का यहाँ पे देख लेते हैं, एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज आपका 25 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी का, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपका सैलरी फिक्स किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन मेथड का बात कर ले तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और एक इंटरव्यू होने वाला है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन डेट आप देख सकते हैं, वॉक थ्रू जो आपको करना है वो 13 to 15 सितंबर तक करना है। आज 1 सितंबर है तो 13, 14 और 15, मतलब 3 डेज का समय दिया गया है। आप अपने पास वाले सेंटर पे जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, इसको हम डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में टोटल वैकेंसीज जो यहाँ पे दिया हुआ है। रैंक जैसे आप देख सकते हैं सिस्टर का एआर में है, टोटल वैकेंसी 1 है। वहीं पे बीएसएफ में 49 है, सीआरपीएफ में 231 है, आईटीपीबी में 18 है और एसएसबी में फिर से 1 सिंगल वैकेंसी है। ऐसे सारे पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, एआर में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीपीबी में और एसएसबी में। उसके बाद नीचे आके आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर सबसे ज़रूरी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल 13 to 15 सारे में। और यहाँ पर देखिए कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ दिल्ली, सीआरपीएफ गुवाहाटी, सीआरपीएफ जम्मू, सीआरपीएफ हैदराबाद, सीआरपीएफ GC1 अजमेर, सीआरपीएफ गांधीनगर, सीआरपीएफ नागपुर, सीआरपीएफ इलाहाबाद, सीआरपीएफ नीमच, सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर, सीआरपीएफ रांची, सीआरपीएफ भुवनेश्वर और सीआरपीएफ बेंगलुरु, सीआरपीएफ पालीपुरम और सीआरपीएफ अवधी। तो ये सारे सेंटर हैं, जो भी सेंटर आपके घर के सबसे पास पर है वहाँ पे जाकर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आपको जो भी सेंटर आपके घर के पास है वहाँ पे जाकर आप इसको अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही था आज का जॉब का नोटिफिकेशन जो मैं आप सभी के लिए लेके आया था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा ये जॉब का नोटिफिकेशन और ये वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे कुछ जॉब का नोटिफिकेशन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।